ये सही नहीं करोगे कैमरा जा रहे हो, कैमरा थोड़ा खरीद कर दो ताकि वो सारी पिक्चर। हाँ बच्चों आवाज आ रही है आप तक सारी वाजे? थोड़ा सा क्लोज करो ताकि व्यू पूरा क्लियर हो जाए। बस 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 तो रहा सेट है। बच्चे बताएंगे, बच्चों जरा कैमरे के बारे में बता दो, व्यू कैसा है आप लोगों के पास? नजर आ रहा है सब कुछ? चलेगा हाँ भाई, चैट विंडो जरा खोल ली जाए और आपकी चैट देखी जाएगी। लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है जुहैर, मैं और करीब करके उसको देख रहा हूँ। अब आ रहा है नजर, कल करते हैं तो वही फिगर आ रही है जैसा कि मैंने नोट्स में किया हुआ है, तो अगर कर दें तब भी ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि 4000 की टोटल वैल्यू 48000 नजर आ रही है, जबकि अगर फीफो में देखोगे तो वहां लाजमी टोटल करना था, क्योंकि फीफो के अंदर आप देखिए जब 4000 थे तो वो चूंकि लिए गए थे 1000 और 3000, तो वो दो अलग अलग लॉट थी, तो वहां टोटल करना जरूरी था। इस जगह पे आप देख सकते हैं फीफो में एड हुआ हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में फिर आपने 20 तारीख को 6000 यूनिट खरीदे, आपने यहाँ पर 6000 लिखा, कितने के हिसाब से? 13 के हिसाब से 78000। अब चूंकि ये 6000 को यहाँ बैलेंस में शिफ्ट करना है, तो अब ये तो पहले टोटल हो चुके हैं, दोबारा उसमें शिफ्ट करने के लिए पहले ऊपर वाले दोबारा उतार दिए जाए। तो अगर टोटल पहले दिखा चुके हो तो उसमें एक काम ही बढ़ जाएगा कि जब इसमें नया एंटर करना पड़ेगा तो उसको दोबारा से नीचे हमें लिखना पड़ेगा ताकि तीनों लॉट एक साथ शो हो सके। 78000, तो अब टोटल कितने हो गए? 8000 और वैल्यू बन जाती है टोटल 1,00,000। अब हमने जनाब लास्ट में जनवरी की 28 तारीख को सोल्ड किया, कितने यूनिट सोल्ड किए? 5000। अब इत्तेफाक ये है कि इसमें 5000 यूनिट जो है वो लास्ट वाली लॉट से ही शुरू हो जाए, तो इसी लॉट से निकाल कर 5000 भेजिए। लेकिन अगर यहां मिसाल देता हूं कि फर्ज करो 5000 की जगह, यानी याद रखना सुनना गौर से, 28 तारीख को इस वक्त कहा गया है कि 5000 यूनिट सोल्ड हुए, अगर 28 तारीख को 5000 की जगह 7000 सोल्ड हुए होते तो क्या करते? ये समझना कि मैं है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि दोनों में, तो अगर इसमें 5000 की जगह 7000 सोल्ड हुए तो क्या होता? तो ये 6000 पूरा आ जाता 13 वाला, और 1000 मजीद ये ऊपर वाला आ जाता जिसकी कॉस्ट कितनी थी 12, और बचता सिर्फ कौन सा? ये ऊपर वाला 1000 जो 10 रुपए के हिसाब से। बोलो आई बात समझ में? यानी इस वक्त 5000 टोटल 6000 थे, 4000 पीछे लास्ट वाली लाइन से ले लिया, ठीक है जी, 1000 ऊपर का बचा, 1000 यहाँ का बचा। लेकिन जब यहां पहुंचे तो 1000 1000 और 6000 तीन लॉट हो गए, और बेचा 5000 की जगह कितने बेचे? 7000 बेचे। तो जब 7000 बेचे तो हमने लास्ट वाली लॉट से 6000 लिया, और 7000 पूरा करने के लिए 1000 उससे ऊपर की लॉट से ले लिया। ओके क्लियर है ये बात? बता दीजिए जरा चैट विंडो में मुझे, ताकि मैं इस बात को समझ सकूं, ठीक है? हाँ तो ये अर्जुमन और अमीरा ने कह दिया, ठीक है। बाकी बॉयज सारे हमारे तो यहां पर हमेशा फिलहाल वापस चला जाऊं तो फिर ओरिजिनल केस में वापस चलता हूं, और एज पर ओरिजिनल केस यहां पर सिर्फ आ रहा था कितने? 5000 13 के हिसाब से, जिनकी वैल्यू बनती है 65000, और बचे अब 1000 10 रुपए वाले,
1,012 रुपए वाले और 1,013 रुपए वाले। तो ये 10,000, ये 12,000 और ये 13,000 आ गए। अब आप जनाब इसके बाद इनका आखिर में टोटल कर लीजिए, ठीक है। टोटल 6 और 5, अच्छा लास्ट में डबल लाइन लगाइएगा, 6 और 5 11,000, ठीक। इसका टोटल बनेगा 1,38,000, इसका टोटल बनेगा 9,000, इसका टोटल यहां आएगा 1,13,000, एक टोटल यहां 3,000 और इसका टोटल आएगा 35,000, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट इन फर्स्ट आउट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब एक छोटा सा ट्रिक, ट्रिक क्या बल्कि है तो नॉर्मल बात, लेकिन सीख लो ताकि अगर कर रहे हो तो अंदाजा हो जाए गलत है या नहीं। कैलकुलेटर उठाओ अपने अपने हाथों में, कैलकुलेटर रखो, सब लोग जैसे बता रहा हूं वैसे चेक करो, क्योंकि ये एक चेक है कि अगर इस काम को करते हुए हम पेपर में बैठे और करते हुए हमने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी तो किस तरह से हम फौरी तौर पर ये जांच सकेंगे कि हमें गलती तो नहीं हो गई हमसे, तो हम दोबारा चेक कर लें। क्योंकि हो सकता है कि मैं हम मल्टीप्लाई में कोई गलती कर दे, जैसे अभी एक मैंने की थी कि 4,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके मुझे 48 की जगह 48 लिखना था, मैंने 60,000 लिखा था। तो अगर मैं ये वाला प्रोसेस जो मैं अभी चेक का बता रहा हूँ ये अगर मैं करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मुझसे ना कहीं पर कोई छोटी सी गलती हो गई है, खामखा उस छोटी सी गलती से मुझे नंबर कटने से बेहतर है। अच्छा ये भी जहन में रख लीजिए, इम्तिहान में कभी भी इस पूरे प्रोसेस में अगर गलत हो जाएगा तो 0 नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जिस जगह आपकी जैसी गलती होगी वैसे मिलेगी। अमूमन इन चीज इस पूरे शेड्यूल में अगर जैसे है मौजूद तो जिस तरह से जितने इसके अंदर मतलब ट्रांजेक्शन है परचेज के और सेल के उसके हिसाब से अपर्स कीजिए, अगर ये इम्तिहान में आता तो इसके मुश्किल से आपके पास 4 से 5 नंबर होते, यानी एक नंबर होता है इस परचेज को पुट करने का, एक इसको सही निकालने का, एक इसको सही लिखने का और इसको सही लिखने का। तो टोटल अगर इसके 5 नंबर होते और आपने कोई एक मिस्टेक की होती तो आपको 4 नंबर मिलते ही, चाहे ये आपका गलत हो जाता कोई बात नहीं। कभी भी इम्तिहान में डबल मिस्टेक पे गलती कटिंग नहीं होती मार्क्स की, ठीक है। ये हमेशा मीटिंग में है हमारी, बहुत अच्छे से आप लोगों को मिलती है। अक्सर वो लोग ज्यादातर लोग परेशान होते हैं कि सर एक गलती हो जाएगी तो सारा गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक गलती अगर आप करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट सही है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई एक मल्टीप्लाई गलत कर दिया या हो सकता है कोई एक वैल्यू गलत उठा ली, ऊपर से लेनी थी आपने नीचे से ले ली, लेकिन बाकी सवाल सही कर रहे हैं, आपको आता है, वो सिर्फ गलती है तो सिर्फ उसके नंबर कटेंगे। इसलिए कभी भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अपनी चीज को, और जिस तरह की छोटी मोटी गलती को पकड़ने के लिए अच्छा है तो कैलकुलेटर उठाइए। आप सुनिए जरा, सबसे पहले प्लेस कीजिए, पहले अगर मैं देखूं कि अगर हमने दो ही मेन कॉलम है, एक यूनिट यूनिट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले उठाइए और लिखिए यहां से देखकर सबसे पहली वाली में कि बिगिनिंग की टोटल कॉस्ट कितनी थी, कितनी है बिगिनिंग की टोटल कॉस्ट, नजर आ रही है आप लोगों को, मैं अब आपके सामने से आ गया हूं ताकि आपका जवाब फौरन आए। टोटल कॉस्ट लिखी है 10,000, लिखा 10,000, टोटल कॉस्ट लिखा हमने 10,000। उसने परचेज को जो आपने टोटल कॉस्ट है परचेज की प्लस कर दी और परचेज की टोटल कॉस्ट है 1,38,000। क्या कहा पहले, क्या प्लस किया, बिगिनिंग 10,000, उसमें क्या प्लस किया, परचेजेस प्लस कर दिया 1,38,000 और टोटल जो भी आया, अब मिसाल दो यहां आ गया होगा 148, उसमें से सोल्ड माइनस कर दीजिए जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,13,000। देखिए आपके पास कैलकुलेटर पे कौन सी फिगर आ रही है, वो फिगर ये आनी चाहिए, बताइए जवाब दीजिए, यही फिगर आई है या नहीं आई है 35,000, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी लोग नहीं पढ़ रहे, कहाँ है भाई मुस्कान, जैनब, मनाल ने भी निकाल लिया, ठीक है मनाल शाबाश, अनस किया कैलकुलेट, ठीक है अमीरा शाबाश। तो क्या याद रखिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले कौन सी फिगर लीजिएगा जो बिगनिंग है,
बिगनिंग में क्या प्लस कीजिएगा परचेजेस का टोटल, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो आपके पास वो वैल्यू आनी चाहिए जो आपने एंडिंग इन्वेंटरी की निकाली है, वो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। और वही वैल्यू आपको अगर दे रहे तो उसका मतलब है तमाम जो आपने काम किया है उस काम में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सब सही चल रहा है। चले आगे चलूं, लेकिन अब मुझे इन लोगों के लिए रेगुलर लोगों की जवाब नहीं चाहिए, जो गायब है उन लोगों की जवाब चाहिए। हाँ भाई, कौन कौन और आज मौजूद है जिनके नाम मैं ले ही नहीं सक रहा हूँ? रुबाब साहिबा, S8, कौन हो बेटा, सही करो अपना नाम लेकर आओ। सुहेब अफसर साहब, देखा आपने, बताइए सुहेब, बताओ, आवाज नहीं आई, क्या हो गया तुम लोगों को, गायब हो तुम लोग बिल्कुल। सुहेब समझ में आया बेटा तुम्हें? अब इसके बाद इसी चीज को मैं एक और तरीके से, अब गौर से देख लीजिएगा वरना फंस जाएंगे। अब हम इसी को एक मेथड से करते हैं, कल आपसे हमने दो मेथड सीख लिए, साफ कर दूं बोर्ड, साफ कर दूं, चलूं आगे। हाँ जोहेब साहब, जी सर, नहीं पूछ रहा, क्लियर है सारी चीज, क्या हुआ रुबाब, कौन सा आंसर नहीं आया, जो अभी मैंने टोटल करवाया वो नहीं आया? तमाम रुबाब हो गया, फिर टाइपिंग एरर, यस। चलो अच्छा, अब गौर तो सुनो, अब कौन से दो हो गए, फीफो मेथड हो गया, लीफो मेथड हो गया, क्लियर सबको? अब इसी में अब अगला मेथड है जिसको कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स में आपने बहुत सारे मीन, मीडियन, मोड और ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, इसको कहते हैं, ये वाला मेथड कहलाता है वेटेड एवरेज मेथड। इसको यहाँ एक नाम देते हैं वेटेड मूविंग एवरेज, यहां से मुराद जो हम सिस्टम कर रहे हैं कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, परपीचुअल सिस्टम, परपीचुअल सिस्टम में इसको असल में नाम देते हैं वेटेड मूविंग एवरेज, यानी बीच में बढ़ा जाता है मूविंग, क्यों वो अभी मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि उसको क्यों मूविंग एवरेज कहते हैं। बेसिकली एवरेज क्या होता है आप सबको मालूम है, असल में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि परचेज कर रहे थे, ले रहे थे, और उसमें ज्यादा और कम का था कि ऊपर से लेना है कि नीचे से। अब इसी को दोबारा करते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड जरा जरा बड़ा यूज करता हूँ, मैं इसको पूरा ही साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब गौर से देखिएगा मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज किस तरह होता है, थोड़ा अच्छा मैं यूं कर रहा हूं कि लाइंस यूज नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं इसका वेटेड हेडिंग डालने का पूरा सही तरीका, आपको हेडिंग जो नोट्स प्रोवाइड किए गए उसमें है, इसलिए अगर मैं हेडिंग नहीं भी डाल रहा हूं तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ना आए, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, असल में भाई नॉर्मल आई व्यू के हिसाब से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो यहाँ पे तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आपके कैमरे में जाती है तो वो फिर काफी ज्यादा छोटी सी फील होती है। खैर इसमें मजीद जाके अब इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यही है कि आपने एक बात समझना है कि यहाँ इस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज यूनिट कॉस्ट बल्कि कहना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल
यूनिट्स। कैलकुलेटर सब लोग लेके बैठे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। बल्कि एक काम करो, दो मिनट दे रहा हूं, आप सब लोग ना इस पॉइंट को, इसको मेरे साथ करो, अटेम्प्ट करो, यानी लिखो मेरे साथ, क्योंकि लिखोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो दो मिनट दे रहा हूं, जल्दी से तुम लोग भी एक रजिस्टर पे कॉपी पे लाइन ड्रॉ कर लो, है बना हुआ वो मौजूद, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। निकालो जल्दी से कॉपी पेंसिल, स्केल हाथ में लिए, वो कैलकुलेटर भी रखिएगा, जल्दी से लाइन ड्रॉ करो और मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है, ताकि बिल्कुल अच्छे से हो जाए, क्योंकि खाम मुखा में यहाँ पे आकर थोड़ा सा फंस जाता है इंसान। जल्दी दो मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो सब लोग, लाइन ड्रॉ करो, इसी तरह से लिख के रखो फटाफट। हरिओम। हाँ भाई, हो गया रेडी? अच्छा तो ठीक है अर्जुन, आप तो बना लेती बेटा, शुरू करूं? साथ साथ चलिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले याद रखिएगा, क्वेश्चन तो सारे का एक ही है ना, स्टेप्स बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये किया कि जनवरी फर्स्ट को बिगनिंग यूनिट्स उठाए, कितने थे? 1000, यहां लिखा, टोटल किया कितने यूनिट हैं? 10 रुपए के हिसाब से 10,000। अभी आप सोल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है, अभी आप सिर्फ मुझे देखिएगा और से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से हो रहा है। सोल्यूशन को देख के अभी कंफ्यूज मत होइएगा। लिख लिया 1000, 10 रुपए के हिसाब से 10,000। अब परचेज किया, कितना परचेज किया जनाब? 15 तारीख को 5,000 यूनिट परचेज किए, 12 के हिसाब से 60,000। शिफ्ट करते हैं, 5,000 यूनिट 12 के हिसाब से 60,000। अब ये देखिए कि ये दोनों को टोटल कर लो, 6,000 और 70,000। अब अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया, अब तक मैंने वही काम है जो मैंने कर रहा था, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब एक नई चीज आने वाली है, क्या? कि अब मैं एक कैलकुलेट करूंगा एवरेज यूनिट कॉस्ट, और उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी? 70,000। टोटल यूनिट कितने हैं मेरे? 6,000। उठाइए, मुझे जवाब दीजिए, नवा नहीं देख रहा, आपके पास चैट विंडो में 70,000 को 6,000 से डिवाइड कीजिए, क्या यूनिट कॉस्ट आती है? जी 11.6666 आपके कैलकुलेटर में यू अमाउंट आ रही है, बे इंतहा 6 आ रहे थे, है ना। अब इसको यहां प्लेस कर दीजिए, आप अमूमन पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्लेस करते हैं, तो चूंकि एक राउंडिंग की टेक्निक होती है कि अगर ये 2 डिजिट यहां लाना है तो इस डिजिट के बाद वाला 5 से ज्यादा है तो इस वाले को 1 बढ़ा के मिल जाते, तो चूंकि ये 6 था इसलिए हमने यहां पे लिखा 11.67। ठीक, 11.67 प्लेस कर दिया हमने। अब उसके बाद हमने ये समझना है कि अब ये वाली और ये वाली यूनिट कॉस्ट इनएक्टिव हो गई, क्योंकि मेथड एवरेज है, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई ना कोई यूनिट 10 का है, ना कोई यूनिट 12 के, 6,000 है और वो सबके सब 11.67 की वैल्यू से हैं, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट फेज में बेचते हैं, कितने यूनिट? 18 तारीख को
4000 यूनिट। तो देखिए इसमें ना ऊपर से लेने का झंझट ना नीचे से लेने की टेंशन, कितने यूनिट बेच रहे हो, 4000, लिखो 4000 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 11.67 से, करो 11.67 से मल्टीप्लाई, बताओ वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी। मनाल 1.11 से 166 कैसे आ गया, 1 0 बढ़ा के डिवाइड कर दिया तुमने, समझ रही है मनाल आपका 1.16 से, या तो यहाँ पे आपने मुझे गलत बताया या आपने निकाला गलत आंसर, पता नहीं, पंचिंग मिस्टेक हुई है। आप लोगों का आ गया 46,000 कितना 680। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, 46,680 आया, अब 6,000 से 4,000 यहां से माइनस किया तो बचे कितने 2,000। अगर यही 11.67 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, अब कितना आंसर आता है आपके पास, क्योंकि 6,000 में 4,000 बिक गए तो 2,000 बच गए। हाँ भाई 23,340 लिखा 23,340। अब बोलिए यहां तक पहले समझ में आई आपको बात, ओके है, अभी बात खत्म नहीं है, असल बात अब आने जा रही है। लेकिन अब सब, लेकिन सब लोग ऑन बोर्ड हो ना यहां तक, ऑल ऑफ यू, ठीक है, रुबाब भी है, ठीक है। तो अब यहां तक अगर सब चीजें, तो अब हम पहली बात जैसे मैंने कही थी कि चेक करो कि कहीं कोई हमारी गलती तो नहीं हुई, अभी चेक करने का क्या सिखाया था, अब दोबारा कैलकुलेटर हो, चेक करने के लिए सबसे पहले लिखो कैलकुलेटर में फिगर, लिखो कितनी 10,000 बिगनिंग लिखवाया था, उसमें परचेजेस ऐड कर दो कितना 60,000 किया, 10,000 में 60,000 प्लस कर दो, प्लस करने के बाद उसमें से 46,680 माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है। देखो 10,000 में 60,000 ऐड करो 70,000, उसमें से 46,680 माइनस करो कितना आ रहा है 23,320। अब रुक जाना अभी मना, एक मिनट को अर्जुमन मुझे ये मनाल का जवाब दे दो। मनाल क्या पूछ रही हो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने ये किया कि देखो 4,000 बेचे थे तो 4,000 लिखे, लेकिन फीफो मेथड में 4,000 जब ले रहे थे तो ऊपर से ले रहे थे, फिर बाकी रह जाने वाले नीचे से ले रहे थे और 10 और 12 अलग अलग लिख रहे थे। लीफो में लास्ट से ले रहे थे क्योंकि सोल्ड लीफो में लास्ट से होता है, फीफो में फर्स्ट से होता है, मगर मैं वेटेड एवरेज में कह रहा हूं कि अब ना ऊपर से लेने ना नीचे से लेने, किसी जगह से लेने की कोई जरूरत नहीं। हर यूनिट 6,000 कितने का 11.67 का है, तो ये जो भी 4,000 आएंगे वो सब इसी में से आ गए और सबकी कॉस्ट कितनी होगी 11.67, ना किसी की कॉस्ट 10 है ना किसी की कॉस्ट 12 है, 11.67 है। ठीक है मन्नाल, ये जवाब समझ में आ गया, तुम्हारी वजह से रिपीट किया मैंने, अभी जल्दी जवाब दो ओके। अब उसके बाद मैं इधर देख रहा होता हूँ कैमरे की तरफ, अगर नहीं देख रहा हूँ तो मेरी आंखें यूं नहीं है, ठीक है, मेरी आंखें सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहां देख रहा होता हूँ ताकि तुम्हारी जवाब पता चल जाए। अब ये देखो मसला क्या है, यहां तुम लोगों ने कितना निकाला 340, जबकि यहां कितना आ रहा है 320। अब बताओ 20 रुपए का फर्क है, ये 20 रुपए का जानते हो फर्क क्यों है, ये 20 रुपए का फर्क इसलिए है कि असल में ये था 66667 और यहां पर जब तुमने लिखा तो उसको सिर्फ 67 कर दिया, तुमने आखिर की 6666 को हटा दिया, तो राउंडिंग करने की वजह से ये 20 रुपए का फर्क आ गया। अगर ये 20 रुपए का फर्क है तो वैसे तो बहुत मामूली सा है, लेकिन जानते हो ये 20 रुपए का फर्क अगर रिमूव नहीं करेंगे तो एक कंपनी साल भर में 2,000 दफा इस तरह से सेल करती है, तो जरा सोचो 20 रुपए के फर्क को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 या 2,00,000 का फर्क आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि इसको बिल्कुल खत्म कर दे, इसको फर्क रंग खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो दो तरीके हैं जिनमें से बेस्ट तरीका, और एक दो बगे दोनों तरीके बता रहा हूं, तुम बेस्ट खुद तुम पिक कर लेना। बताऊं अब समझ में आया मेरा ये कि प्रॉब्लम क्या है, मैं किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूं, कि अगर हमें अक्सर यही होगा कि इसके जवाब, इसका जो यूनिट कॉस्ट आएगी वो ऐसी आएगी,
कभी 11.66667, कभी कोई आ गई 9.33333, कभी कोई और। तो उसको खत्म करने के लिए जो काम बता रहा हूँ वो सुनना है आपने गौर से। पहले समझ में आ गई मैं जिस बात को एड्रेस कर रहा हूँ? सब लोग ऑन बोर्ड हैं तो समझिए जरा गौर से। करते क्या है, 6000 को 4000 यहाँ लिख के इसको तो 11.67 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 46680, ठीक है। लेकिन बेटा ये वाली जगह पर आके 2000 को 11.667 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम यहाँ बेशक ये लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ वाली फिगर निकालने का तरीका ये इख्तियार करते हैं कि इस 70000 से इसको माइनस करते हैं, 70000 से इस 46680 को माइनस करते हैं, तो यहाँ आती ही फिगर है 23320। इससे क्या होता है कि वो फ्रैक्शन का फर्क यानी राउंडिंग का जो फर्क था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। पहली बात समझ में आ गई, एक तरीका ये है करने का, और कोशिश करिए कि इसी वाले तरीके को लेके चलिए। क्या कहा मैंने, 70000 जो था टोटल उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बोलिए समझ में आया? अच्छा, लेकिन दूसरा तरीका भी बता दूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, अब उठाइएगा कैलकुलेटर सब लोग, ठीक है। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर चाहें तो इस तरीके को भी फॉलो करें। दूसरा तरीका ये था कि हमने यहां पर दो फिगर लिखी थी 11.67, लेकिन जिस वक्त हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास कैलकुलेटर में आया था 11.66667 आया था। अब क्या करो, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, 4000 को मल्टीप्लाई करो। अब जल्दी नहीं करना अर्जुन, मुझे पता तुम्हारे अंदर तेजी से भाग रही होगी, लेकिन सुनना मेरी बात को। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 11 पॉइंट दबाकर जितना कैलकुलेटर की स्क्रीन है उस पूरे स्क्रीन में 666666 आखिर तक लिख दो। समझ में आ रही है बात, 11 लिखकर पॉइंट लिखकर 666 लिख दो। आप कोई कहे सर हमारा तो हम तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो भाई 8-10 दफा लिख दो 11.666666 और फिर इक्वल टू दबाओ और बताओ यहां आप क्या आ रहा है। शाबाश, रिपीट करूं क्या? क्या हो गया अर्जुमन, रिपीट कर रहा हूं, तुमने ऐसा जल्दी कर दी होगी ना। 4000 लिखो, ठीक, उसको मल्टीप्लाई करो 11.6666 कैलकुलेटर भर के, जितनी भी कैलकुलेटर की स्क्रीन है खाली 6666 आखिर तक ले जाओ बस। उसके बाद उसको इक्वल टू दबाओ तो देखो मुझे किसने जवाब दिया है, अहमद ने भी जवाब दे दिया, सुहेब ने भी जवाब दे दिया है, क्या 46,666। अब इसको हम यू लिख दे 46667, कोई एतराज तो नहीं ना सोएब, ये लिख सकते हैं ना 46,667। और इसी तरह से यहां पर भी जो 2000 है इसको भी मल्टीप्लाई करते हुए 11.666667 से लगातार मल्टीप्लाई करो। और बताओ वहां कितना आ रहा है अर्जुन, तुम्हें समझ में आ गया बेटा? 23,333। तो यहां पे लिख दो 23,333। अब चेक करो, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर वही आएगी। क्या सिखाया था, बिगिनिंग लो 10,000, 60,000 परचेज करो, यही आ गया 70,000, 70,000 से इसको माइनस करो, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट यही फिगर आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। कौन सा आसान लग रहा है, पहला वाला तरीका दूसरा वाला तरीका? फर्स्ट वे सेकंड वे? अर्जुन तुम्हें पहला वाला था, तुम पहले वाले से कर लो, कोई बात नहीं, जिनको जो भी आसान लग रहा है। मैंने अभी इसमें जो आप देखिए फर्स्ट वाला अगर आपको आसान लग रहा है तो फर्स्ट वाले से कर लीजिएगा। मैंने बहरहाल नोट्स में आप देखिए मैंने आपको ये वाला तरीका दिखाया है,
ठीक है, अब आप सोल्यूशन अगर देखिएगा नोट्स में तो इसमें यही है कि ज्यादा डिजिट तक लेके, बेशक आप दिखाए नहीं लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खैर इसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं, लेकिन बराबर ज्यादा कर लेंगे तो अच्छी बात है, कोई इतने ज्यादा नंबर नहीं कटते, क्योंकि जब हम मैं सब पर्सनली मैं अगर वेटेड एवरेज पर्सनली मैं नहीं, बहरहाल एक मीटिंग में होता है तय, तो हम सब चेक करते हुए थोड़ा बहुत मार्जिन बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। शायद आप जहीन लोग हैं जिनको समझ में आ गया, बहुत सारे हम पढ़ाते हैं, मुझे मालूम होता है बाद खा मखा में दिमाग मेरा भी खराब हो जाता है, समझाते समझाते उनका भी खराब हो जाता है, समझ नहीं पाते सही तौर पर। तो बहरहाल ये ऐसी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि जनाब आप जो है जीरो दे रहे बच्चे को, बच्चा सब कुछ सही कर रहा है, फ्रैक्शन का फर्क वो आगे जाके सीख लेगा कर देगा, अभी उसको मेन आइडिया तो आता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज को डील कैसे करते हैं, तो आपको मेन ये आना चाहिए, इससे कोई ताल्लुक नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वही वाली बात है कि एक फर्क होता है गुड और बेस्ट में, तो जो ऐसे करके वैसे कर लेगा वो गुड है, लेकिन जो सही से कर लेगा वो बेस्ट है, तो इसलिए तो ठीक है अभी फिलहाल ये रहने देता हूँ, आप जैसे भी लेकर चल रहे चले, अगर पुराना वाला कहते हैं तो पुराना वाला दोबारा बता दें, मैं उसी तरीके से कर देता हूँ, आप लोग फर्स्ट में अच्छा लग रहा है तो तरह से कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कितना था मुझे जहां तक याद आ रहा है ये आ रहा था 46,680, सही कह रहा हूँ अर्जुमन? ठीक है, तो 46,680 के बाद अब मैं यहां लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा 70 से इसको माइनस कर दूंगा, तो कितना आ रहा था 23,320, चेक करो एक बार बता दो मुझे अगर गलत नहीं कर रहा हूं तो, 23,320 सही लिखा है मैंने, वाह यादाश अच्छी जा रही है, अभी सो के उठाऊ ना, आज छुट्टी थी ऑफिस नहीं गया हुआ था, सो गया था तो इसलिए अच्छा चल रहा, वरना ऑफिस से ड्राइविंग करते हुए पहुंचो तो बेड़ा गर्क हो रहा होता है यादाश का भी। जनवरी की 20 तारीख को कितने यूनिट्स हैं जनाब? तो 20 तारीख को हमने 6,000 परचेज की, अब देखो 6,000 लिखा हमने यहाँ पे कितने के हिसाब से, 13 के हिसाब से 78,000, तो ये 2,000 थे, 6,000 यहाँ शिफ्ट करते हैं, लेकर आते हैं 6,000, 13 के हिसाब से 78,000, अब क्या हुआ टोटल कितने यूनिट हो गए 8,000, टोटल कितनी कॉस्ट हो गई 8, 9, 10, 11, 1,01,320 सही है, हाँ अर्जुन यही आ रहा है टोटल, क्या हुआ अर्जुन पीछे रह गई जवाब नहीं आ रहा आज? ओके तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा एक एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है अब दोबारा निकालेंगे कितना 1,01,320 डिवाइडेड बाई 8,000, बताओ कितना आ रहा है? चलो डिवाइड करो यार, 12.666666 आ रहा होगा, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं, सिवर्जमन आगे जाती है। अनस क्या हो गया तुम लोगों, तुमने अनस होमवर्क भी नहीं भेजा ना, तुमसे भी नाराज हूं मैं, ये आ रहा है 12.66665 के बाद खत्म हो जा रहा है अहमद, 665 है, ओके ठीक है, तो जो भी है वो लिख देता हूँ 12.665 आप कह रहे हैं, अब इसको मैं 12.66 ही रहने देता हूँ दो डिजिट का, अब क्या करेंगे कितने सोल्ड हुए थे इसमें से सोल्ड हुए थे 6,000, 5,000 किस तारीख को सोल्ड हुए थे 5,000, 28 तारीख, तो 28 तारीख को प्लेस किया, 5,000 लिखा, 12.66 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 5,000 इंटू 12.66 हाँ तो ठीक है ना, उसको यही रहने दो 66 रहने दो बस, अर्जुन तुमसे कह रहा हूं ठीक है 63,300, अब ये आ गया यहां लिखो 8 में से 5 चला गया कितना बच गया 3,000, 12.66 के हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इस 1,01,320 से 63,300 ये पहला वाला तरीका आपने चूज किया है,
तो उसके हिसाब से पहले वाले के हिसाब से इस टोटल से इसको माइनस कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है, 38,020। अब एक मजे की बात बताऊं, हाँ मजे की बात यह है कि हमेशा ये होता है पढ़ाते हुए कि जो तरीका मैंने पहली दफा बता दिया वो बच्चे कहते हैं ज्यादा आसान है, जो दूसरी दफा बताया बहुत कम होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं कि नहीं सर ये अच्छा है। तो पहला वाला कई क्लासेस में पढ़ाते हुए पिछले 15-20 सालों में हमेशा यही हुआ है, जो पहले बता दिया सर वो बस सबसे अच्छा है, सबसे आसान वही है, उसके बाद वाला मैंने नहीं, ये आसान नहीं है। तो आज भी तुम लोगों ने साबित किया कि ऑनलाइन भी पढ़ाओ तब भी वही होता है जो नॉर्मल होता है, कि जो पहले बता दिया दैट इज द बेस्ट। ठीक है, बहरहाल कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से 1 लाख माइनस करके ये आ गए, कोई प्रॉब्लम। अब सिर्फ ये करेंगे आप इसको यहाँ पे टोटल करके दिखा देंगे। ठीक है बेटा, इसका टोटल बन रहा था 6,511,000 और कितना आ रहा था ये 8 और 7 और 6 138, 9,000 और इनका टोटल कितना बन रहा था 980, 6 3 9 6 4 10। ठीक है, कंफर्म कर दो भाई अर्जुमन। अरे जोएब क्या खिलाई मखलूक की तस्वीर भेजी है, डर जाऊंगा मैं देख के ऐसे ऐसी चीजें। 1,09,000 सही है लिखा, ओके बचा कितना 3,038,020। इसमें यूनिट कॉस्ट शो नहीं करना, और पेपर में करते हुए जब ये इस तरह शो करो तो चूंकि आपको याद होगा कि सवाल के रिक्वायर्ड में उन्होंने पूछा था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमेशा इसको सॉल्व करने के बाद नीचे इस तरह से लिख दिया करो। क्या दोनों में, तीनों मेथड में, फीफो में भी, लिफो में भी और इसमें भी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये वाली वैल्यू 1,09,980 और एंडिंग इन्वेंट्री 38,020। ठीक है, तो ये आप नीचे हमेशा शो कर देंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि असल में ये मेथड का नाम है वेटेड एवरेज, लेकिन परपीचुअल के इस निजाम में इसको वेटेड मूविंग एवरेज कहते हैं। तो क्यों मूव करते हैं पता है, ये देखो चूंकि इसने हर दफा परचेज के बाद पहली दफा ये निकाली थी, फिर दूसरी दफा जब मजीद खरीदा तो ये निकाली, ठीक है ना, यानी एवरेज यूनिट कॉस्ट इसमें बार बार कैलकुलेट होती है। तो आप देखो पहले एवरेज यूनिट कॉस्ट कितने की थी 11.67 की, दूसरी दफा जब निकाली तो ये मूव करके कितने में चली गई 12.665 पे। तो 11 पॉइंट इसलिए मूव क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट मूव कर रही है, हर बार चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि पहले यूनिट्स जो थे 1,000 वो 10 रुपए के थे, बाद में जो 5,000 आए वो कितने के आए 12 के आए, तो एवरेज पहले अगर 10 थी तो मूव करके 11 पे चली गई, बाद उसके बाद जब खरीदा तो 13 के आए, तो वो एवरेज कॉस्ट मूव करके 12 पे चली गई। तो इस वजह से चूंकि एवरेज कॉस्ट मूव करती रहती है तो इसको परपीचुअल में हमेशा वेटेड मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि एवरेज एक नहीं रहती, मूव करती है। समझ गए, इसलिए बता रहा हूँ कभी अगर कोई सवाल कर दे किसी जगह इंटरव्यू में कि वेटेड परपीचुअल में वेटेड एवरेज को वेटेड मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर हर परचेज के बाद प्राइस मूव करती है यूनिट प्राइस, तो मूव। और ये अगर फर्ज करो 13 नहीं होती, अभी तुम देख रहे हो ना पहले एवरेज 10 थी क्योंकि शुरू में 1,000 यूनिट थे, 12 वाली आई तो ये 10 से बढ़ गई, फिर 11 हो गई, 11.67, फिर 13 वाला आई तो 12, क्योंकि हर दफा यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो एवरेज मूविंग कॉस्ट ऊपर जा रही है। अगर इस 13 के बाद आने वाली है ना वो अगर 9 रुपए की होगी तो तुम जानते हो ये नीचे होना शुरू हो जाएगी, मूव जरूर करेगी लेकिन फिर ऊपर के बजाय नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है बच्चों, तो तीनों मेथड अब आपकी समझ में आ गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज। अब इसकी मुझे बनानी है एंट्रीज, ठीक है, लेकिन एंट्रीज वगैरह कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं, वो एंट्रीज पीछे से मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। असल मसला है अब इसके ऊपर अपने आप को सही से पॉलिश करने का। अब ये जो पीछे मैंने आप लोगों को जो सवाल दिए थे, जैसे कल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो और फेयर रजिस्टर अगर कर रहे हो ना तो कम से कम उसके बाद 2 पेजेस का फर्क रखना, क्योंकि उसमें फिर हमने मतलब बल्कि 2 पेज ऐसे कि हमने एक अभी जो फिलहाल काम है इसमें एक शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल के बाद 1 पेज आपको चाहिए होगा एंट्रीज के लिए और 1 पेज चाहिए होगा
टी अकाउंट के लिए। ये मैं एक नॉर्मल रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत जाजी साइज का रजिस्टर है तो दो पेज के बजाय एक पेज में भी काम हो सकता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल रजिस्टर है तो अगर आप एक पेज पे ये बनाते हैं, उसके नीचे जगह खाली है तो उसके नीचे एंट्री और फिर एक जगह रखिएगा टी अकाउंट के लिए। तो अभी जहां पर भी ये दो रिकॉर्ड आ जाए एंट्री, तो जगह आपने एंट्री के लिए रखनी है और टी अकाउंट के लिए रखनी है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको सिखाऊं तो आप वहां जाके कर सकें। तो अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि अब मैं इस सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने हैं इसके टेंस ये सारे कर लिए। आप अगर आप नोट्स हैं तो देखिएगा कि आप 6, 7 तक, बल्कि कहना चाहिए कि 7 तक तो आप आराम से कर सकते हैं, 8 भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप देखिएगा पहले, आप करके बताइएगा मुझे क्या है। इसके आखिर में लेकिन एक है क्वेश्चन, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन, ये देख रहे हैं आप, इन क्वेश्चंस को आप बेशक अभी मत कीजिएगा, ठीक है, एडवांस लेवल क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन ये मैं आखिर में करवाऊंगा, शुरू में नहीं, क्योंकि ये एडवांस लेवल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम आए हैं, कभी कभी कोई 15-20 सालों में एक दफा कोई आ गया तो आ गया और उसके बाद नहीं आया, तो इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। बाकी आपके ऊपर है, आप ये सारे क्वेश्चन 2 से लेकर ये सेक्शन के 8 तक आप कर सकते हैं, पूरे ट्राई कीजिए बैठ के सुकून से घर पे, चेक करने के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, सुहेब आप लोग, इस तरह से 2-4 और भी है, नाम मुझे अगला याद आ रहा हो, एक वो S8 मोबाइल हमारी, न हो सकता उनका कोई नाम हो, उन्होंने मुझे मैसेज किया हो लेकिन नाम वहां पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए S8 मोबाइल मुझे याद आ रहा है। वो आप लोगों के लिए कि जहां जिस पेज को मैंने शेयर किया है, जिसमें आपके पास नोट्स हैं, उसी के नीचे मौजूद है आपके पास सोल्यूशन, खोल लीजिए, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, पहले सॉल्व करना है, अपनी गलतियों को चेक करने के लिए वहां से करके, लेकिन मुझे बताते रहना है, जो लोग बता रहे हैं, जो नहीं बता रहे कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब नाम किस किस कर लूं, जहन में आ तो रहे नाम के जिन्होंने मुझे अपने प्राप्त नहीं किया काम करने के लिए, लेकिन छोड़ दे रहा हूं, आज नहीं कर रहा कोई बात, मगर आइंदा मैं काम नहीं दूंगा, अगर हुआ तो इस तरह हुआ तो फिर आप लोग उसको कंप्लीट कर ले, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में से आगे करते हैं। कोई क्वेश्चन है, रुबाब ने कुछ क्वेश्चन लिखा है, नहीं मेरा नहीं ख्याल है रुबाब, ऐसी बात है नोट्स का, कल अमीरा आपने ऐड किया, उमैमा ने शायद किया था, उमैमा तुमने किया था ना बेटा, उमैमा आज है मौजूद, उमैमा ने कल चेक करके मुझे बताया है, अर्जुमन ने भी चेक किया है मेरे ख्याल में। अर्जुमन आपके सोल्यूशन वाला सेक्शन ऑन हो रहा था, आप जरा सही से चेक कीजिएगा, वो एक्सेल से ऑन होता है। हाँ अर्जुमन ने चेक किया है नोट्स का सोल्यूशन सारे, ठीक है, तो एक दफा फिर चेक करो, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा रुबाब, मैं आपका वो मसला भी सॉल्व कर दूंगा, डजंट मैटर, चाहे आप मुझे होमवर्क करके भेजे या नहीं भेजे रुबाब, फिर हम आपको सॉल्व तो कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।